बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ खालिद कयूम और आप देख रहे हैं हॉट स्पॉट न्यूज़। आज इस वक्त पाकिस्तान की कौमी सियासत के अंदर जो ईवीएम मशीन, जिसको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहते हैं, उस पर जिस तरह एक तूफान जो है वो मचा हुआ है, तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे और देखेंगे कि क्या ये जो ईवीएम मशीन है, ये 2023 के इंतखाबात में इस्तेमाल हो सकेगी या नहीं। तो इस हवाले से हम आज आईन और कानून की रूह के मुताबिक, आईन और कानून के जो आर्टिकल्स हैं, जो सेक्शंस हैं, उनके मुताबिक हकायक जो हैं वो आपके सामने रखेंगे कि 2023 के जो इंतखाबात हैं वो जो इस वक्त पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में जो कानून साजी की गई है, उसकी बुनियाद पर जो एक लाइन की कानून साजी है, उसके तहत जो है वो इलेक्शन मुमकिन नहीं हो सकेंगे। जिसकी बुनियादी वजह ये है कि ये जो कानून साजी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में की गई है, ये नामकम्मल कानून साजी है और ये ऐसी कानून साजी है कि जिसमें जो है पाकिस्तान का जो आईन है उसकी और जो आईन इलेक्शन कवानीन है दूसरे, उसके मुताबिक ये जो है कानून साजी नहीं की गई। ये आईन की सरीहन इसके अंदर खिलाफ वर्जियाँ की गई हैं और इसमें से जो है बाज जो कानून साजी के मामलात हैं उनको जब अदालत के अंदर चैलेंज किया जाएगा और अपोजिशन गालबन इस सारे मामले को, इस कानून साजी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी करने जा रही है और इस हवाले से अपोजिशन जमातों ने अपने आइनी माहरीन पर मुश्तमल एक कमेटी जो है वो भी कायम कर दी है, जिस पर काम इस वक्त जो है वो हो रहा है। और सबसे बड़ा जो इस कानून साजी पर जो इतराज़ सामने आया है वो ये है कि आईने पाकिस्तान के तहत जो पार्लियामेंट है उसको अख्तियार है कि वो इलेक्शन के लिए, इंतखाबात के लिए कानून साजी करे, हल्का बंदियों के लिए कानून साजी करे, फिर वोटर लिस्टों के लिए कानून साजी करे, फिर कौमी और सूबाई असेंबलियों के जो इंतखाबात हैं उनके लिए कानून साजी करे, और जो कौमी और सूबाई असेंबलियों के लिए जो नशिस्तें मुख्तस की जाती हैं उनकी भी जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो मरदमशुमारी हो, जो लेटेस्ट मरदमशुमारी हो, उसके मुताबिक इन जो सीटों का जो एलोकेशन है वो भी करे। लेकिन इसमें ये जो कानून साजी की गई है इसमें जो है ये एक लाइन का ये इजाफा भी किया गया है कि इलेक्शन कमीशन को नादरा और वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो तआवुन है वो हासिल होगा। तो इस इकदाम से, इस कानून साजी से जिसमें नादरा और वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इसमें शामिल किया गया है और इससे जो हैं वो जो इलेक्शन कमीशन के जो अख्तियारात हैं अब वो शेयर कर दिए गए हैं, लेकिन पाकिस्तान के आईन के तहत इलेक्शन कमीशन के जो अख्तियारात हैं वो ख़ुद मुख्तार अदारा है और इलेक्शन के हवाले से आईन तमाम तर अख्तियारात जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को देता है। तो इलेक्शन कमीशन के अख्तियारात शेयर नहीं किए जा सकते। तो इस तरह ये जो कानून साजी है इस हवाले से बज़ाहर ये इलेक्शन कमीशन के जो अख्तियारात हैं उन पर हमें एक जो है ये हमला भी नज़र आता है हुकूमत की तरफ से। और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, अदालत में जाएगा, तो यकीनन इस हवाले से जो कानून साजी है वो उसको जो है वो अदालत इसको काला दम करार दे सकती है। और इसके अलावा जो दीगर इस हवाले से जो मसाइल हैं वो भी इस कानून साजी के अंदर जो हैं वो मौजूद हैं। देखिए कि इसमें ये तो एक लाइन का इजाफा कर दिया गया है कि इंतखाबात में ईवीएम का इस्तेमाल होगा, लेकिन इसमें ये नहीं लिखा गया कि ये किन इंतखाबात में जो है ये इस्तेमाल होगी ईवीएम मशीन। तो इसमें दर्ज किया जाना था, लिखा जाना था कि ये 2023 के इंतखाबात में ईवीएम मशीन जो है इसके लिए वोटिंग का अमल जो है वो शुरू होगा, लेकिन इस हवाले से जो हमारी जो नई कानून साजी हुई है उसमें अबहाम है, उसमें इसका कोई जिक्र नहीं किया गया।
और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने अभी तक कोई रूल्स के हवाले से तैयारी नहीं की, और जो इलेक्शन कवानीन है उनको भी पार्लियामेंट में लाना पड़ेगा, और उसके बाद चलकर जो है ये चीज़ें जो हैं आगे बढ़ सकती हैं। ख़ास तौर पर जो है अगर ये ईवीएम का तरीक़ेकार राइज किया जाता है 2023 के इंतबात में, तो फिर उसके लिए जो है ये पटिशन जो फाइल की जाती है इंतबात के बाद जो उम्मीदवारों की तरफ से जीतने वाले उम्मीदवार के खिलाफ, उस पटिशन का जो तरीक़ेकार है ज़ाहर है वो अब चूँकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होगी, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटर के अंदर जो है उसका तरीक़ेकार भी तब्दील हो जाएगा, और इस हवाले से भी इलेक्शन पटिशन के हवाले से भी जो है वो कवानीन के अंदर, इलेक्शन कवानीन के अंदर नई जो तरामीम है वो लाना पड़ेगी, वो करना पड़ेगी। और इस तरह दूसरा इसके साथ साथ जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का मामला है उस हवाले से भी जो है मामला अभी तक क्लियर नहीं हो सके, जिसकी वजह यह है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के लिए सिर्फ जो कानून साजी है इलेक्शन एक्ट में तरमीम के जरिए सारे मसाइल जो हैं वो हल नहीं होते नज़र आ रहे। इसके लिए भी आइनी माहरीन का जो कहना है कि जो आइन के अंदर जो है आइन के आर्टिकल 51 के अंदर जो है वो तरमीम करना पड़ेगी, क्योंकि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनमें से जिनके पास दोहरी शहरियत है, दोहरी नेशनैलिटी है, दोहरी नेशनैलिटी पाकिस्तान के रखने वाले पाकिस्तान के आइन के तहत इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते, और जो जो शख्स पाकिस्तान का वोटर बन सकता है वो फिर इलेक्शन भी लड़ सकता है। तो इस हवाले से ये नहीं हो सकता कि वोट का हक तो दे दिया जाए लेकिन इलेक्शन लड़ने का जो हक है अब वो दस्तियाब ना हो। तो इस हवाले से अगर हुकूमत चाहती है या पार्लियामेंट के अंदर इस पर इत्तेफाक होता है कि दोहरी नेशनैलिटी का जो कानून है उसको बदलने के लिए भी आइन में तरमीम की ज़रूरत है, तो इस हवाले से जो आइनी तरामीम है वो भी इसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट की राह में जो रुकावट है वो पैदा कर सकती है। तो इस तरह जो कानून साजी अब तक हुई है ईवीएम के मामले पर और इंटरनेट वोटिंग जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए वोटिंग है अब वो नामुकम्मल है, और इसकी बुनियाद पर 2023 के इंतबात में ना तो ईवीएम इस्तेमाल हो सकती है और ना ही ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिल सकता है। असल में ये है कि ये एक सियासी नारे के तौर पर पीटीआई की हुकूमत ने ये इकदाम उठाया है, और यकीनन इसमें कोई शक नहीं कि पीटीआई की हुकूमत ने कानून साजी के जरिए पार्लियामेंट के मुश्तरका अजलास में इस हंगामा खेज जो कानून साजी हुई है तो इसमें पॉइंट स्कोरिंग आप कह सकते हैं कि वो ज़रूर कर ली है, लेकिन इसके तहत जो है 2023 के इंतबात जो है वो मुमकिन नहीं है।